नमस्कार गोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों की। पूरे 3,000 सैनिकों ने स्थायी होमगार्ड, मुख्यमंत्री बोले मैंने वादा किया था उसको निभाया। मुख्यमंत्री ने माना संविधान व्यवस्था अन्यायपूर्ण, अब वे संविधान कर्मचारियों के साथ ही शिक्षकों को सम्मेलन भी करेंगे। मंत्री की बहुमत सुसाई के बाद समाज में आक्रोश, संस्कार को लेकर विवाद, भाजपा जी के मंत्री को बचाने। रायसेन जिले में 2 स्थानों पर बाघ और तेंदुए के हमले, एक बालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में धूमधाम से मना नवसर उत्सव, जगह जगह हुए आयोजन, एक दूसरे को बधाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होमगार्ड सैनिकों द्वारा नागरिकों की सुरक्षा किए जाने के लेकर सराहना की है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पुलिस और होमगार्ड ने सिंहस्थ में सेवा का अद्भुत नजारा पेश किया, ये काम होमगार्ड ने निष्काम भाव से किया। भोपाल में आयोजित होमगार्ड द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 5 महीने में होना था, इसलिए सीएम ने अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले के आधार पर अब 75 करोड़ रुपए का बजट साल भर के रूप में होमगार्ड सैनिकों को दिया जाएगा। साथ ही 2,790 सैनिकों को स्थायी होमगार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा जिन सैनिक होमगार्ड की शादी नहीं हुई अब उनकी शादी भी तय हो जाएगी। इस दौरान सीएम ने नवरात्रि के पहले दिन सैनिक होमगार्ड को शुभकामनाएं दी। बताते चले होमगार्ड सैनिक को प्रति माह 12,040 रुपए मानदेय मिल रहा था, जिसमें भोजन की राशि भी शामिल है। नया मानदेय पिछले साल मार्च महीने से लागू होगा। होमगार्ड सैनिकों के मानदेय में अब भविष्य में पुलिस आरक्षकों की तरह महंगाई भत्ते में वृद्धि भी होती रहेगी। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा व्यवस्था को अभिशाप करार देते हुए कहा है कि संविदा पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को भविष्य में नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों का जीवन अस्थिर रहता है, इसलिए प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को इसी महीने सीएम हाउस बुलाया जाएगा। दरअसल पिछले कई महीनों से प्रदेश के कई विभाग में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे सरकारी काम भी अस्त-व्यस्त हो गया है। हड़ताल को उग्र प्रदर्शन देखते हुए सीएम ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मार्च महीने में ही सभी को सीएम हाउस बुलाया है। इस साल 2018 में नियमितीकरण और हटाए गए संविदा कर्मचारियों की वापसी के लिए संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया। भोपाल में आयोजित प्रदर्शन में कर्मचारियों ने अपने इरादे भी प्रकट कर दिए। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में उनकी परियोजनाओं, निगम मंडलों में कार्यरत 2,50,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और हटाए गए संविदा कर्मचारियों को वापस लिए जाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के छठवें चरण में मध्य प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संविदा कर्मचारियों को संभाग, जिला और विकास खंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने और एक सूत्र में पिरोने के लिए जिलों में रैली और बैठकों के दौर जारी हो चुके हैं। संविदा पे जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी अलग अलग सेवाओं की, मैं ये मानता हूँ कि संविदा की व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण है। आप रख भी लो 10-5 साल सेवा भी कर लें और जिंदगी भी अधर में लटकी रहे, इधर ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्च के महीने में उनको भी मैं बुलाऊंगा विधानसभा के बाद। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के मामले हैं, उनको भी मैं बुलाने वाला हूँ। किसी की जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहेगी। कोई ऐसी व्यवस्था अगर पूर्व में बन गई है जो पूरी तरह से न्यायोचित नहीं थी, उसको समाप्त किया जाएगा और इनको बेहतर ये सेवा दे सके ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए। रायसेन जिले के उदयपुरा में पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह की कथित बहू
प्रीति रघुवंशी की मौत के बाद वहां रघुवंशी समाज में आक्रोश है। शव के पोस्टमार्टम के बाद समाज ने शव को लेने से मना कर दिया। समाज का कहना है कि प्रीति ने मंत्री के बेटे से विवाह किया था, वही उसके शव को मुखाग्नि दे। इस मांग को लेकर पुलिस प्रशासन और समाज आमने सामने हो गया। समाज जन रविवार दोपहर तक अस्पताल में बैठे रहे। यहाँ लड़की के परिजन और समाज जनों ने धरना दे दिया। हालांकि एक बार लड़की के पिता ने अपनी ओर से अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन यह पत्र प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया। बताते चले, आत्महत्या करने वाली युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि मंत्री रामपाल के बेटे ने उनकी बेटी से भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। बाद में उसकी सगाई दूसरी जगह तय हो गई और मंत्री और उनके परिजन हमें धमकाने लगे। इससे दुखी होकर उनकी बेटी प्रीति रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मामले में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान पूरी तरह मंत्री रामपाल सिंह की जुबान बोलते हुए नजर आए। उन्होंने मंत्री और उनके पुत्र को क्लीन चिट तक दे दी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जांच में जो सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इधर रविवार शाम को प्रीति के शव को घर ले आने के लिए पुलिस ने मर्चरी के सामने वाहन लगाया तो बड़ी संख्या में लोग हंगामा करते हुए वाहन के सामने बैठ गए। वंशीय समझाकर लोगों को हटाकर शव निकाला गया। इसके बाद लोग हाईवे पर जाम करने की कोशिश की। अंततः शाम को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। शरीर जिसमें जान नहीं है उसको हमारा कोई हक नहीं बनता, पिता का कोई हक नहीं बनता, उसके परिवार का कोई हक नहीं बनता। जब तक कि उसका पति जीवित है, जब तक कि उसका पति जीवित है तो वो अंतिम संस्कार करे, उसका शरीर ले जाए, यही हमारी मांग है। बड़े बड़े मंत्री लोग हैं साहब, हम तो गरीब लोग हैं, जमीन में रहते हैं। यदि हम भोपाल में पढ़ते हैं, पिता अस्पताल में नौकरी करते हैं, सामान्य से एम्बुलेंस चलाते हैं और छोटे भाई सरकारी नौकरी करते हैं, पिछले 5 महीने से ट्रांसफर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब यदि ये घटना हो चुकी है और मंत्री जी पूरा भारत देश में पूरा व्यवस्था सार्वजनिक हो चुके हैं तो हम पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। यदि हमें रिपोर्ट वाला आवेदन है जिसमें लिखा गया है कि ये जो यहाँ पर पीएम रिपोर्ट हुई है, हमको पहले दबाव डाला गया था कि ये पीएम रिपोर्ट हम करवा रहे हैं और आपका एक जो फोटोग्राफर है वो हमारे वीडियोग्राफर है वो वहाँ पर रहेगा और उसकी उपस्थिति में पूर्णतः वीडियो आपको बनाकर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही हमसे साइन करा लिए गए और जैसे ही वीडियोग्राफर हमारा अंदर गया, वीडियो उसको मना कर दिया गया, उससे कैमरा छीन लिया गया, उससे स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि तुम यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, उसको चुप कर दिया गया। किसने बोला? मैडम, उस वीडियोग्राफर जो अंदर गया था उसने साफ तौर से कहा कोई वीडियो बनाकर नहीं दी। अब हम ये मांग करते हैं कि उसको वीडियो अंदर बनी हुई है उसको पारदर्शिता के साथ हमको उसकी रिपोर्ट और वो वीडियो पोस्टमार्टम की हमको दी जाए। कल जो कार्यक्रम करेंगे उसको कौन आएगा? हमारी बच्ची भाई वो साजिश हो जाती है, उसके सब कार्यक्रम करना पड़ेंगे, कौन करेगा उसका कार्यक्रम? हिंदू धर्म के कार्यक्रम करे जाते हैं कुछ, वो तो बहुत जरूरी है उसका कार्यक्रम करना। मंत्री अगर इंसाफ नहीं मिला तो मेरा जीने का अधिकार भी खत्म। एक नहीं तीन पीएम होंगे, उसकी माँ और उसके बाप का। परिजन के साफ तौर से पोस्टमार्टम नहीं होगा, पति नहीं पहुंचेगा तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। देखिए, ये आप किसी को इस तरीके से पति बनाना और बताना बिल्कुल उचित। परिजनों का आरोप है कि पैसे का लालच दिया गया, समझौते के लिए दबाव बनाया गया लगातार। कोई आरोप कोई लालच, उसका वीडियो आया है वहाँ से भी, कुछ नहीं। सर, जो आर्य समाज मंदिर के अध्यक्ष हैं वो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जांच का विषय है और जांच में ये सब चीजें सामने आएंगी। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है सुसाइड नोट, मृत्यु के समय उस बच्ची का तथाकथित लिखा हुआ सुसाइड नोट, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। और उसमें कहीं भी रामपाल सिंह जी के पुत्र का, परिवार का या विवाह का या कहीं किसी प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन नंदू भैया, जो मैरिज सर्टिफिकेट मिला है वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, जांच होगी। अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे ये पूरा स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा कोई विषय ही नहीं है, न बच्ची ने सुसाइड नोट में किसी पर कोई आरोप लगाया है। घटना हुई है, घटना की जांच हो रही है, जांच में कोई ऐसे आएंगे जो उचित कार्रवाई है वो पुलिस का। रायसेन जिले के 2 स्थानों पर बाघ और तेंदुए के हमलों में एक बालक की मौत हो गई, जबकि दोनों थाना गैरतगंज के ग्राम अनियापुरी में बाघ के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तहसील गैरतगंज तहसील के अंधियारी गांव
मैं रविवार सुबह खेत की मेड़ पर चना फसल की थ्रेसिंग कर रहे दो युवकों पर एक बाघ ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने भोपाल भेज दिया। बताया जाता है कि बाघ बाघित अपने शावकों के साथ गेहूं के खेत में घूम रहे हैं। वही दूसरी घटना बरेली थाना क्षेत्र के ग्राम भक्तोए की है। यहाँ तेंदुए ने एक 5 वर्षीय बालक पर हमला किया। तेंदुआ बच्चे को घर से दबोच कर छत पर ले गया। बच्चे का शव छत से बरामद कर लिया गया है। बच्चे का नाम सीताराम पुत्र गणेश मेरा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 11 वर्ष है और वो कक्षा 5वीं का छात्र है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा और नवरात्र के उपलक्ष्य में विदिशा में वंदे मातरम संगठन ने प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए। वंदे मातरम संगठन के बैनर तले नगर के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में कई नेता भी मौजूद रहे। जुलूस का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इसी तरह राजगढ़ में 9 संवत्सर 2075 की पूर्व संध्या पर सर्व ब्राह्मण समाज एवं हिंदू चेतना मंच ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा सहित समस्त गणमान्य नागरिकों ने वीर छत्रपति शिवाजी चौराहा खिलचीपुर नाका पर दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी के साथ 9 संवत्सर का स्वागत किया। जहां सभी समाजजनों ने जमकर जश्न मनाया, वहीं हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष ब्रजमोहन सरावत कार्यक्रम में नजर नहीं आए। माना जाता है कि भारतवर्ष में वाणी नगर में ही महिला शक्तिपीठ है। इसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ मौजूद है। नगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित सिरवारा के सामने विंध्याचल पर्वत की सुरमई वादियों में विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर भक्तों को अलौकिक आनंद से सराबोर कर रहा है। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि माँ की महिमा से सब काम हो रहा है। चूंकि ये मंदिर हाईवे के किनारे होने से प्रदेश के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और नेताओं द्वारा मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। उन्हें प्राकृतिक छटा में माँ के दर्शन का परम शांति का एहसास होता है और उनकी माँ पर गहरी आस्था का ही परिणाम है कि आज बगैर आय के मंदिर अपनी भव्यता की ओर अग्रसर है। विदिशा में झूलेलाल जयंती के अवसर पर रविवार को बाइक रैली के साथ ही 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं रात को भोपाल से आए कलाकारों द्वारा सिंधी संस्कृति पर आधारित अलंकारिक प्रस्तुतियां दी गई। सिंधी कॉलोनी स्थित धर्मशाला में भगवान झूलेलाल का पूजन करने के बाद वाहन रैली शुरू हुई। इस दौरान एक रथ में भगवान झूलेलाल का कटआउट रखा हुआ था। वहीं सभी सफेद वस्त्र पहने हुए सिर पर भगवान की टोपी और हाथों में धर्मध्वज थामे हुए थे। वाहन रैली 2-2 की कतार में चल रही थी। सभी भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वाहन रैली गुलाब वाटिका नीमकाल अस्पताल मार्ग माधवगंज निकासा तिलक चौक बड़ा बाजार रायसेन गेट और फ्लाई ओवर होते हुए वापस धर्मशाला पहुंचे। रात 8 बजे से धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान भोपाल से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। उच्च सिंधी पंचायत के जिला अध्यक्ष हरीश वाधवानी ने बताया कि सोमवार की सुबह 10 बजे धर्मशाला में भगवान का अभिषेक किया जाएगा और ज्योत लगाई जाएगी। इसके बाद गीत संगीत का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक लंगर चलेगा। फिर शोभा यात्रा शुरू होगी जो शहर के प्रमुख मार्ग से होती हुई बेतवा तट पर पहुंचेगी। वजन व माप निर्धारण के लिए शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हम मांग नियम अनुसार 1 क्विंटल के स्थान पर 50 किलो वजन उठाने की व्यवस्था लागू करने की बात पर खड़े रहे। वहीं व्यापारियों का कहना था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था एक साथ पूरे प्रदेश में लागू हो तभी संभव हो पाएगा। अनाइनमेंट कार्यालय में करीब 3:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में एसडीएम रविशंकर राय, मंडी सचिव कमल भगवैया, हमाल तलावट यूनियन अनाज तिलन संघ के पदाधिकारी व सदस्य आदि मौजूद थे। हमाल तलावट यूनियन के अध्यक्ष माधव सिंह का कहना है कि हम तो नियम का पालन कराना चाहते हैं। जब एक क्विंटल वजन उठाना हमालों के वश में नहीं है तो जबरदस्ती क्या है। पहले से हम मांग उठाते आ रहे हैं, मंडी बोर्ड का आदेश है तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। तेलंग संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा माल अन्य स्थानों पर बारदानों में जाता है। ऐसे में 50-50 किलो से भरी कट्टी का हम क्या करेंगे। हमारे गोदामों में लाखों बोरे भरे हैं, उनका क्या होगा। अकेले विदिशा मंडी में इस नियम के लागू होने से कुछ नहीं होगा। पूरे प्रदेश में एक साथ व्यवस्था लागू होना चाहिए, तभी कार्य करवाना संभव हो पाएगा। लेकिन हमारे यूनियन पदाधिकारी इसमें राजी नहीं हुए। उन्होंने हर हाल में 1 अप्रैल से 50-60 किलो वजन की व्यवस्था लागू करने की बात कही। रायसेन में C2 बैनर तले आशा और उषा कर्मचारियों का 1 दिवसीय सांस्कृतिक धरना देकर हड़ताल की। शनिवार को सुबह से लेकर दोपहर तक चिलचिलाती धूप में आशा और उषा कार्यकर्ता सहित सहयोगियों ने पंडाल में धरना दिया। इस दौरान इन महिला कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। यह सांस्कृतिक धरना प्रदेशव्यापी आह्वान पर किया गया था। जिले से लगभग 560 महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरने में हिस्सा लिया। दोपहर बाद धरना स्थल पर C2 मंडीदीप और आशा कार्यकर्ता सहयोगिनी एकता यूनियन के बैनर तले धरना दिया गया। C2 के नेताओं के नेतृत्व में रैली निकाली गई।
सीएचओ कार्यालय पहुंची। यहां सीएचओ डॉक्टर शशि ठाकुर को मुख्यमंत्री संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बाद में सिटी के नेताओं के साथ ही भूषा आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर मानव ओलंपिक के बंगले पर पहुंचकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया। इसके बाद तहसीलदार दीपक पांडे को भी ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। गुना में 19 फरवरी से काम बंद हड़ताल पर डटे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कदे को ही ज्ञापन दे दिया। कर्मचारियों के अनुसार उनका उद्देश्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह को यह अवगत कराना था कि उनकी मां के नाजायज नहीं बल्कि जायज है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी नाजायज मांग कर रहे हैं। इससे नाराज होकर आज इन कर्मचारियों ने धरना स्थल पर ही एक गधे को ज्ञापन दे दिया कि नहीं नहीं इस गधे को माला भी पहनाए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज हमारी हड़ताल का 27वां दिन है और आज हमने प्रतीक स्वरूप गधे को अपनी जायज मांगों के लिए हार पहनाकर उनसे मांग करी है कि मंत्री जी नाराज ना हो, हमारी जो मांगे हैं वो उल जलूल नहीं है, हमारी मांगे जायज हैं। हम लोग 17 वर्ष से अपना पूरा जीवन इसमें लगा चुके हैं, मानव सेवा के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हम लोग, और आप अगर ये बोलेंगे कि ये मांगे जायज नहीं है तो हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेके। तो हमारी आपसे प्रार्थना है इन जायज मांगों को आप पूरा। राज्य जिले के नरसिंहपुर के पास स्थित सेंचुरी वन क्षेत्र में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर सुहा हो गया। आग के कारण हजारों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। अज्ञात कारणों से लगी आग हवा के कारण तेजी से फैलती चली गई, जिसे बुझाने वन एवं दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करना पड़ी। सुबह करीब 8 बजे लगी आग पर देर शाम तक काबू पाया जा सका। आग बुझाने में विभाग के 2 दर्जन कर्मचारी बिना किसी तैयारी के पेड़ों के पत्तों से आग बुझाने की कोशिश करते रहे तो पुरावर नरसिंहगढ़ की फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी रही। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में आग लगने का सिलसिला अनवरत जारी है। गर्मी के इन दिनों में यहाँ आग लगना आम बात हो चुकी है। वन्य प्राणी अभयारण्य सहित उसके आसपास वन क्षेत्रों में लेंटाना घास प्रचुर मात्रा में उग रही है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं के दौरान लगते वन क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेती है। गत वर्ष भी इसी क्षेत्र में आग लगने से कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सपाट हो गया था। फिलहाल आग लगने से वन क्षेत्र मैदान की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि कई बड़े पेड़ पौधे पूरी तरह जल चुके हैं। वहीं कई पौधे आग के बाद अब सूख जाएंगे। वन विभाग को बारिश के दिनों में इन क्षेत्रों में घास की जगह अन्य पेड़ पौधों को बढ़ावा देना चाहिए। वन क्षेत्रों की सुरक्षा जरूरी है। बढ़ती आबादी के कारण वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। वहीं संरक्षित वन क्षेत्रों में आगजनी, अवैध निर्माण, वृक्षों की कटाई सहित अन्य कारणों से वन दायरा घटता जा रहा है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।